What is guest post and how you can get high quality backlinks? Guest post kya hota hai aur kis tarah aap high quality ke backlinks le sakte hain guest post ke through? Uske liye is video ko pura dekhen. Main hu Kazafi aur aap dekh rahe hain the Digital Knowledge YouTube channel. वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है और किस तरह हम गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंक्स ले सकते हैं। बैकलिंक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, किस तरह आप बैकलिंक्स निकालते हैं और ये कितने बेनिफिशियल हैं आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। तो इसी तरह गेस्ट पोस्ट भी एक मतलब कि बैकलिंक्स की टाइप है। बैकलिंक्स में काफी सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि वेब 2.0 बैकलिंक्स होते हैं और प्रोफाइल बैकलिंक्स होते हैं, काफी सारे बैकलिंक्स होते हैं, ब्लॉग कमेंट्स होते हैं, फॉरम बैकलिंक्स होते हैं, पीडीएफ लिंक्स होते हैं, कई सारे बैकलिंक्स की टाइप होती हैं। लेकिन जो इस टाइम बेस्ट और किलर मेथड है ना अपनी साइट को रैंक करने का, वो है जीरो गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट के थ्रू आप इजीली अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं अगर आपकी गेस्ट पोस्ट फ्रॉम हाई अथॉरिटी साइट्स के, हाई अथॉरिटी साइट से अगर आपको बैक लिंक मिल जाता है तो आपकी साइट बहुत ही फौरन बूस्टअप होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है गेस्ट पोस्ट की, हम कौन सी ऐसी वेबसाइट ढूंढें जिन पर हमें मतलब के बैक लिंक्स मिल सकते हैं वो भी हाई क्वालिटी का। तो गेस्ट पोस्ट जो भी साइट्स अलाउ करती है उसके, अब मतलब कि अब ये समझ लें गेस्ट पोस्ट का मतलब यही था कि ये बैकलिंक्स टाइप है और हमें इससे बैकलिंक्स मिलता है। लेकिन अब ये गेस्ट पोस्ट है क्या? गेस्ट पोस्ट ये है, इसका मतलब ये है कि आप अपना एक आर्टिकल किसी दूसरे की वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं और उस आर्टिकल में आपकी वेबसाइट का लिंक होता है और जो वहां से आपको जो बैक लिंक्स मिलता है उस चीज को गेस्ट पोस्ट कहते हैं। अब वो वहां से लिंक चाहे आपको आर्टिकल बॉडी से मिले, चाहे आपको ऑथर बायो में मिले, तो वो आपका गेस्ट पोस्ट बैक लिंक होगा। तो जी ये मतलब कि समझ लें इतने ब्लॉग कमेंट्स आप निकालते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, प्रोफाइल लिंक्स टाइम लेते हैं इंडेक्सिंग में, लेकिन ये जो गेस्ट पोस्ट बैक लिंक्स होते हैं ये काफी फास्ट इंडेक्सिंग होते हैं। अब हमने गेस्ट पोस्ट के बैक लिंक्स के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हमें गेस्ट पोस्ट के लिए सिर्फ हमारा एक कॉन्टेंट चाहिए क्वालिटी का। जब भी आप किसी दूसरी साइट पर आस्क करेंगे कि मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए या कुछ भी, जब आप उसे प्रपोजल भेजेंगे कि मैं अपना आर्टिकल अगर आपको 1000 वर्ड्स का, 2000 वर्ड्स का अगर आपको आर्टिकल भेजूंगा तो क्या आप मुझे डोफॉलो देंगे, नो फॉलो देंगे? डोफॉलो लिंक्स कौन से होते हैं, नो फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो अब जब आपको सिर्फ एक चीज चाहिए वो है क्वालिटी का कॉन्टेंट। जैसे ही आप क्वालिटी का कॉन्टेंट प्रोवाइड करेंगे किसी भी साइट के ऑथर को या ऑनर को, तो वो अपना जो आपका आर्टिकल लोग अपनी साइट पर पब्लिश करेगा और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। अब किस तरह की आपने साइट्स फाइंड करनी है जहां से आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल जाए? हाई क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। वो रिसर्च किस तरह करते हैं, तो चलिए उसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो चलते हैं हम किस तरह की हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट साइट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं गूगल पर, उसके बाद यहां पर आप पर लिखें टॉप गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स। अब यहाँ पर देखें 150 वेबसाइट्स दे रहे हैं जो कि गेस्ट पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगी। अब आप इन वेबसाइट्स को ओपन कर लें। इन वेबसाइट्स को ओपन करके ये देखिए, अब ये वेबसाइट रही है, अब निश रिलेटेड आपने ओपन करने, लाइक आपकी जो निश है ब्लॉगिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एसईओ, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, जो भी आपकी वेबसाइट की निश है ना, आप उस वेबसाइट के रिलेटेड अपनी ओपन करें इनकी। अब यहाँ पर देखें डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है सबमिट का, तो आपने सबसे यहाँ पर ये देखें, अब आते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है ये देखें। अब वो सब कुछ मांग रहा है आपका, लाइक आपका फर्स्ट नेम मांग रहा है, सेकंड नेम मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, आपकी वेबसाइट मांगेगा, वो आपसे टॉपिक पूछ रहा है कि आप किस टॉपिक के रिलेटेड हमें कंटेंट देंगे। टॉपिक देने के बाद यहाँ पर आपने काम, दूसरा काम ये करना है, अपने टॉपिक की आउटलाइन देनी है और उसे बताना है कि मैंने कितनी क्वालिटी का आपको कॉन्टेंट देना है। यहाँ पर अपने कॉन्टेंट की आउटलाइन दे दें, फिर उसको बता भी दें आई विल, मतलब कि उसे ये भी लिख दें कि आई विल सेंड मोर 1000 वर्ड्स और मोर 1500 वर्ड्स विद क्वालिटी वर्ड ETC, इस तरह करके आप उसे लिख लें ताकि उसे रियली मेश्योर हो जाए कि आप जो आपका जो सैंपल था वो भी अच्छा था और मैं इसके लिए, वो फिर डायरेक्टली आपको ईमेल करेगा कि मुझे आप कंप्लीट कंटेंट भेजें या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। अब उसे एक्सेप्शन के लिए टिप्स यही है कि जितना अच्छा हो सके क्वालिटी का उसे मतलब कि यहाँ पर प्रपोजल देना है, आउटलाइन देनी है अपने कंटेंट की, और एनी अदर नोट्स में आप जाकर उसे मैसेज वगैरह लिख सकते हैं कोई भी इवेंट के। कुछ अगर ऑलरेडी सैंपल अप्रूव्ड हैं आपके, आपके आपने ऑलरेडी कहीं और से गेस्ट पोस्ट लिए हुए आपका अप्रूव्ड है, आप उसे वो भी दे सकते हैं। अब इसी तरह चलते हैं सेकेंड वेबसाइट पर, इसी तरह 3-4 वेबसाइट्स ओपन करके इनको देखें ये किस तरह कह रहे हैं, किस तरह इनके साथ कंट्रीब्यूट करना है। हर साइट की अपनी गाइडलाइन होगी, हर साइट का अपना मेथड होगा गेस्ट पोस्ट अप्रूव करने का। अब आप इसके कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम को रीड करें, ये देखें, फिर उसके बाद आपने
इनके पास आ जाना है कॉन्टैक्ट में। कंट्रीब्यूट की गाइडलाइन रीड करने के बाद कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में आके अपना नेम दें, अपना वर्किंग ईमेल दें जहाँ पर आप रिप्लाई कर सकें उसे, और अपना मैसेज जितना अच्छा हो सके प्रपोजल बना लें, लाइक जितना अच्छा हो सके उसे लिखें कि सर मैं आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँगा, आपको मैं इतने वर्ड्स का कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँगा, काइंडली मुझे बता दें आप मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे या नहीं। उसके ये राइट फॉर एस पेज पर चले जाएं आप, ये देखिए ये कंट्रीब्यूट में ही आता है, वो सब कुछ आपको बता देगा कितने वर्ड्स का चाहिए, कितने वर्ड्स का हमको नहीं चाहिए, लिंक वगैरह क्या होगा टू फॉल। अगर कोई साइट्स, काफ़ी सारी साइट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी बताते हैं, तो आप उनके कॉन्टैक्ट ऐसे पूछ सकते हो, और परेशान नहीं होना, ये वेबसाइट आपको फ़ौरन रिप्लाई कभी नहीं देंगी, ये हमेशा कुछ टाइम लेती हैं वेबसाइट्स, या ऑलवेज आपसे तकरीबन मे बी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं जो आपको 24 आवर्स में रिप्लाई करती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स के ओनर जो होते हैं वो आपको 7 दिन में रिप्लाई करें, 15 दिन में करें, महीने में करें, आप बस भूल ही जाएं उनसे कॉन्टैक्ट करके। आप ये मत नोट करें कि मैंने साइट से कॉन्टैक्ट कर लिया ये वो, हाँ ये बेटर है कि अगर आप एक बार कॉन्टैक्ट करके इनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप बार बार एक ही साइट पर प्रपोजल ना भेजें और वो रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह ये देखिए सेकंड साइट में हर साइट की अपनी गाइडलाइन होगी, हर साइट का अपना, और वो ये देखिए वी विल रेस्पॉन्स इन 7 to 10 days, हाउ टू अप्लाई इधर ईमेल, ये कंपनी का यूआरएल दे दे, और आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3 का मतलब कि ऑलरेडी कहाँ पर आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया है मैं उनका लिंक दे, अगर आपने कहीं पर पब्लिश नहीं किया तो अपनी वेबसाइट्स का ही लिंक दे दें, अपनी वेबसाइट्स के कंटेंट के ही लिंक दे दें इनको, ठीक है। तो वो इसीलिए वो ये चेक कर रहे होते हैं कि ना कि आपकी वेबसाइट, आपने पहले कितना क्वालिटी का कंटेंट पब्लिश किया है। फिर इसी तरह अगली साइट पर जाएंगे, आपको देखेंगे, ये देखें हर साइट की अपनी गाइडलाइन है, हर साइट का सब कुछ अपना है, ये देखें आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए हर साइट की अपनी है। फिर इसी तरह इनको कंट्रीब्यूट करें, इनको ज्वाइन करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वाकई ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप उसे इजीली देख सकें।